हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग मैथ्स का एग्जाम देके आए हो। उससे पहले फिजिक्स का आपका एग्जाम हुआ था और आपको पता है कि चाहे मैथ्स का हो या फिजिक्स का हो, पेपर काफी टफ आया था इस बार। तो उसकी वजह से ही नेशनल काउंसिल ऑफ सीबीएसई स्कूल्स ने एक पीआईएल डाली है सीबीएसई के लिए कि भाई पेपर इतना डिफिकल्ट आ रहा है तो जो मार्किंग है वो लीनियंट होनी चाहिए, जो भी एवेल्युएशन हो वो लीनियंट हो। तो इसके ऊपर जो संयम भारद्वाज जी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन है, उन्होंने भी इसको बोला है कि हम लोग इस रिक्वेस्ट को देखेंगे, पूरा मैटर समझेंगे कि क्या प्रॉब्लम आई थी। तो उसको देखते हुए है हम लोग इसमें लीनियंट मार्किंग के बारे में सोच सकते हैं। तो आप लोग को पता ही है कि केरला बोर्ड में तो काफी ज्यादा, केरला के जो बच्चे हैं, बोर्ड तो सीबीएसई ही था, वहां पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आई थी और प्रॉब्लम सबकी थी, लेकिन वहां से बात निकल के आई। तो ये मैथ्स में भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि जो इस बार की डिफिकल्टी है ना वो थोड़ा अलग लेवल की जा रही है। रीजन यही है कि सीबीएसई इस बार एक्सपेरिमेंट कर रहा है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन दे रहा है, केस स्टडी दे रहा है, लेकिन केस स्टडी का उतना मटेरियल अभी अवेलेबल है नहीं, उसकी वजह से बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर आपको मैथ्स में भी लगता है तो अपनी बात को दबने मत देना, जिस तरीके से केरला बोर्ड के बच्चों ने अपनी आवाज उठाई, बोर्ड में फिर से बोलूंगा सीबीएसई है, केरला के बच्चों ने अपनी आवाज उठाई फिजिक्स के, क्योंकि वहां पर काफी ज्यादा रिलेटिवली अगर सेट वाइज देखें तो अलग अलग सेट में डिफिकल्टी लेवल अलग था। तो इससे बहुत फर्क पड़ता है बच्चे के करियर को लेकर। तो इस सब चीजों को ध्यान जरूर रखा जाता है। बोर्ड में जो भी लोग बैठे हैं वो भी बच्चों की फीलिंग को समझते हैं, लेकिन कुछ एक्सपेरिमेंट करने की वजह से ये पेपर टफ आ रहे हैं। और बेकार बात यह है कि आप ही लोग के साथ में ऐसा हो रहा है। तो बाकी अगर फिजिक्स में ऐसा हुआ है और ये चीज सामने आई है तो मैथ्स में भी होनी चाहिए। और आप लोग का पेपर कैसा गया मैथ्स का, कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।